नमस्कार, हेल्थ ओपीडी के एक और ब्रॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्यूपंचर पर और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रमन कपूर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी, एक्यूपंचर ऐसी विधाओं में है जिस पर कि बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं, और अगर हम एक्सपर्टीज की बात करें, कौन एक्सपर्ट हैं, तो बहुत ही चुनिंदा नाम जो है वो देखने और सुनने को मिलते हैं। डॉक्टर रमन कपूर उन्हीं में से एक नाम है। फिलहाल डॉक्टर कपूर चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ एक्यूपंचर सर गंगाराम हॉस्पिटल में। अपने काम के लिए सर को पद्मश्री से नवाजा जा चुका है, कई किताबें भी लिख चुके हैं, अपने फील्ड के मास्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से। और आज हम लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली एक्यूपंचर जो है वो किस तरीके से काम करता है। बहुत ही बेसिक सवाल है लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जी एक्यूपंक्चर जो शब्द है वो दो वर्ड से मिला है, एक्स और पंक्चर। यहाँ पर एक्स का मतलब होता है नीडल और पंक्चर भेदने को कहते हैं। तो सुई इस्तेमाल करके स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर पेनिट्रेट करके यूज करने के माध्यम से जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको हम एक्यूपंक्चर कहते हैं। और ये तकरीबन 2,500 साल पुराना टेक्निक मानी जाती है, 2,500 साल पुरानी साइंस है और तब से इसका चलन हो रहा है। और ये साइंस जो है ये एशिया में ही सबसे पहले शुरू हुई थी और हमारे जो पुराने वेदास हैं उनमें भी मेंशन है सुई भेदन का एज ए फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। सो इवन बिफोर दी चाइनीज टॉक्ड अबाउट एक्यूपंक्चर आर वेदिक ट्रांसक्रिप्शंस टॉक अबाउट सुई भेदन एज ए फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट टू ट्रीट मेनी डिजीजेस। जी लेकिन सर, जैसे आपने बताया कि हमारे वेदों में भी जिक्र है पर बहुत पॉपुलर नहीं है ये थेरेपी, क्या वजह है इसकी, खासकर अगर लोग इंडिया की बात सबसे करें। सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन जो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं होने होने का है वो बड़ा सिंपल है, बिकॉज यू सी आई एम ऑल्सो वेस्टर्न मेडिकल डॉक्टर, मैं भी एक एलोपैथ हूँ। तो जो वेस्टर्न मेडिसिन है आज वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज एक क्विक इफेक्ट के लिए लोग जाते हैं, दवाई खा लेते हैं, पेन हुआ तो पेन रिलीफ इमीडिएटली हो गया और बुखार हुआ तो बुखार के लिए जल्दी से कोई दवाई खाई उससे ठीक हो गया। तो अगर हम क्विक रिलीफ की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर इस टाइप की वेस्टर्न मेडिसिन की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा है। और फ्रेंकली स्पीकिंग जो वेस्टर्न ड्रग्स हैं वो आज उन्होंने इतना टोटल कंट्रोल सारे सिस्टम में वर्ल्ड ओवर कर लिया है कि और किसी थेरेपी को भी वो ज़्यादा आगे पॉपुलर नहीं होने देते हैं। तो ये एक मेन कारण रहा है। बट आज अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर पॉपुलैरिटी देखिए एक्यूपंक्चर की, एंड आई वाज सरप्राइज, WHO का भी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट आया है ऑन हेल्थ विच इज द एंटाइटल्ड हेल्थ फॉर ऑल 2021 to 2024। और उसमें उन्होंने असेसमेंट करके अपनी बताई है, लास्ट 5 साल की असेसमेंट करी है वर्ल्ड वाइड, और उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट टू वेस्टर्न मेडिसिन द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ थेरेपी इज एक्यूपंक्चर। इवन आई डिड नॉट नो इट, सो दिस इज समथिंग ऑफ अ रेवलेशन, बिकॉज जो भी लोग जब वेस्टर्न मेडिसिन लेके भी उनको जब आराम नहीं आता है तो जब वो किसी ऑल्टरनेट सिस्टम की तरफ जब मुड़ते हैं तो उसमें एक्यूपंक्चर जो है आज सबसे ज्यादा पॉपुलर सिस्टम माना जा रहा है, बिकॉज इसके इफेक्ट्स एक तो परमानेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें ओरली आप कुछ नहीं दे रहे, बिकॉज बाकी कोई भी सिस्टम हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, किसी भी सिस्टम में आप कोई ना कोई दवाई मुंह से लेते हैं, बट एक्यूपंक्चर में आप कोई भी दवाई नहीं लेते हैं, इसलिए सबसे सेफ है और इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। जी, ये सर आपने साइड इफेक्ट की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से माना जाता है, जो एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है नीडल्स का या उसका, तो उससे कहीं नहीं माना जाता है कि कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हो सकता है। देखिए जो साइड इफेक्ट्स आप अगर आप पॉइंट आउट करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक नीडल किसी पॉइंट पे लगाई और पॉइंट नीडल निकालने के बाद अगर वहाँ पे थोड़ा सा कुछ ब्लू सा हो जाता है वो बड़ा रेयर होता है, मार्क से हो गया, बट वो कोई परमानेंट चेंजेस नहीं आते। और वो भी वहाँ देखा जाता है जहाँ पर कि जो एक्सपर्ट जो नीडलिंग कर रहा है अगर वो उसकी एक्सपर्टीज बहुत कम होगी तब। अगर एक अच्छे एक्सपर्ट के पास आप जाएंगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कोई साइड इफेक्ट्स एक्यूपंक्चर में देखने में आए हैं। अगर अगर आप देखेंगे तो इवन स्टैटिस्टिक्स भी जो है जो कि नेट पे अवेलेबल है आज, तो उसमें भी देखेंगे अगर आप, तो स्टैटिस्टिक्स भी यही कहती है कि एक्यूपंक्चर इज अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट
एंड इट डज नॉट हैव एनी मेजर साइड इफेक्ट्स। जी बात कर रहे हैं दवाई बीमारियों की, कौन सी बीमारियों में असरदार है। वैसे तो सर हम लोग से बात करेंगे कि कौन सी बीमारियों में असरदार है, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे मन में है, क्या एक्यूपंचर को भी कुछ प्लेसिबो इफेक्ट माना जाता है? कई लोग मानते हैं कि ये एक्चुअल में उतना असरदार नहीं है, और आई थिंक आप देखिए, मेरी बात पहले आज से तकरीबन ये जो अगर आप ये सवाल में से 15 से 20 साल पहले पूछती तो शायद ये सवाल तब लॉजिकल था। उसका कारण ये है कि मुझे अब 40 साल हो गए हैं एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करते हुए। आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस इन 1982 एंड आई हैव बीन हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एक्यूपंक्चर एट गंगाराम फॉर लास्ट 25 ईयर्स नाउ। सो आई हैव रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट ये जो एक बात जो चली थी कि भाई प्रॉबली एक्यूपंक्चर का प्लेसिबो इफेक्ट होता है, इसके ऊपर साइंटिफिकली काफ़ी स्टडी किया गया। और जब साइंटिफिकली इसको स्टडी करके देखा गया तो ये पता लगाया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका कारण यह है कि बायोकेमिकल स्टडीज करी गई हैं और इसके ऊपर भी रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स जो कि पबमेड पे अवेलेबल है आज, उसमें देखा गया कि जब हम नीडल लगाते हैं तो हमारे ब्रेन से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ब्लड में रिलीज होते हैं। इनको हम एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स कहते हैं, जो कि नेचुरल पेन किलिंग सब्सटेंसेस हैं, जो कि जिनके के रिलीज होने से हमें पेन में रिलीफ मिलता है। ऐसे ही फर्ज करो किसी पेशेंट को पैरालिसिस हो गया और उसमें हमें एक्यूपंक्चर करके उसकी मसल्स, उसकी जो मसल्स हैं जो वीक पड़ गई हैं और जो एक स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो गया है, उसमें भी जब हम इसको एक्यूपंक्चर करते हैं तो इसमें मसल बिल्डिंग इफेक्ट होता है एक्यूपंक्चर का, वो भी देखने को आया है। ऐसे ही अब रिसेंटली और साइंटिफिक स्टडीज हुई, जैसे अब मैं आपको फोकस करूंगा, एक फंक्शनल एमआरआई एक मशीन आई है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है, रेडियोलॉजी में, जिसमें कि आप एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी, जो ब्रेन हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनकी अगर आप फंक्शनिंग को स्टडी करना चाहें तो fMRI मशीन द्वारा आप कर सकते हैं। तो हमने ये खुद स्टडी जो है दिल्ली में महाजन इमेजिंग सेंटर है, डॉक्टर हर्ष महाजन, उनके हमने इमेजिंग सेंटर में ये पूरा स्टडी करी कि हमने एक पेशेंट को जिसको कि हियरिंग की प्रॉब्लम थी और उसकी हियरिंग बहुत कम हो गई थी बिकॉज ऑफ अ नर्व डेफनेस, तो वो हमारे पास एक्यूपंक्चर के लिए आया। तो हमने बिफोर पुटिंग अ नीडल वी पुट दैट पेशेंट इनटू द fMRI मशीन। तो हमारी जो यहाँ पर ऊपर हेड के ऊपर इस जोन में हमारा जो हियरिंग एरिया होता है वो ब्रेन का होता है, तो उस हियरिंग एरिया और ब्रेन के को मैपिंग किया गया और वहाँ देखा गया कि वहाँ पर बहुत ही पुअर ब्लड सर्कुलेशन था, विच इंडिकेटेड दैट न्यूरोलॉजिकली दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन वाज नॉट गेटिंग गुड सर्कुलेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द पेशेंट हैड डेवलप्ड नर्व डेफनेस। देन वी पॉट दिस पेशेंट आउट ऑफ द एमआरआई मशीन एंड वी पुट फ्यू नीडल्स, एंड दीज नीडल्स आर वेरी स्पेसिफिक नीडल्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। अब ये कई लोगों में एक गलतफहमी होती है कि शायद जहाँ पे तकलीफ होती है वहीं सुई लगा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। जी सो अगर ईयर की प्रॉब्लम है तो उसमें पैर में और हाथ में पॉइंट लगा कर भी आप ईयर की प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। तो इस पेशेंट के अंदर हमने वो हाथ के और पैर के पॉइंट पे नीडल लगा के और उसको टेप कर दिया नीडल को, जिससे कि जब वो एमआरआई मशीन में जाए दोबारा तो वो नीडल बाहर नहीं निकलेगी, और टेप करके उसको हमने मशीन के अंदर दोबारा डाला। एंड टू द सरप्राइज ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट प्रेजेंट देयर एंड टू एवरीबडी सरप्राइज, इमीडिएटली दैट हियरिंग एरिया ऑन द ब्रेन स्टार्टेड शोइंग इंक्रीज एक्टिविटी। सो दैट जस्ट शोड द कोरिलेशनशिप बिटवीन द एक्यूपंक्चर पॉइंट बीइंग नीडल ऑन द हैंड और फुट टू द हियरिंग एरिया इन द ब्रेन। सेम वे वी रिपीटेड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इन पेशेंट्स विद विजन लॉस, जो ऑप्टिक नर्व एट्रोफी एक कंडीशन है, अगेन वी हैव नो ट्रीटमेंट फॉर ऑप्टिक नर्व एट्रोफी इन मॉडर्न मेडिसिन। तो ऑप्टिक नर्व एट्रोफी में जो ऑप्टिक एरिया होता है हमारा वो बैक ऑफ द हेड में होता है, जिसे हम विजन एरिया कहते हैं स्कैल्प में। तो ऐसे ही हमने उस पेशेंट को भी जिसको कि ऑप्टिक एट्रोफी थी और जो कि सब तरफ से हताश हो चुका था, कहीं से उसको विजन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी, उसको भी हमने सेम वे ऐसे ही किया कि पहले हमने उसका fMRI फंक्शनल एमआरआई किया विदाउट पुटिंग एनी नीडल्स एंड वी सॉ दैट देयर वाज ऑलमोस्ट नो ब्लड सर्कुलेशन इन द एरिया ऑफ द ऑप्टिक नर्व। एंड उसके बाद हमने उसी पॉइंट्स के ऊपर स्कैल्प में, हेड के बैक में जो स्कैल्प एरिया होता है विजन एरिया, वहाँ नीडल लगा के इस पेशेंट को दोबारा हमने मशीन में डाला एंड लो एंड बिहोल्ड अगेन द सेम थिंग हैपन, इमीडिएटली वी कुड सी द इंक्रीज एक्टिविटी इन द
विजन एरिया ऑफ द स्कैल्प. सो ऑब्वियसली देर इज अ वेरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नाउ कमिंग इन विच वॉज नॉट अवेलेबल मे बी 20 years अगो बिकॉज वी डिड नॉट हैव टेक्नोलॉजी. सो एज टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वी आर ऑल्सो टेकिंग द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी आर एबल टू नाउ कन्फर्म विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट एक्यूपंक्चर इज अ साइंस. इट हैज गॉट इट्स ओन मेथड्स एंड इट हैज गॉट इज ओन इफेक्ट्स एंड दैट इज वाई टूडे इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इट इज एक्सेप्टेड एज अ साइंटिफिक मेथड. WHO रिकोगनाइजेज एक्यूपंक्चर एज अ साइंस नाउ एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इन UK, US, ऑस्ट्रेलिया, होल ऑफ यूरोप यू हैव 5 year डिग्री कोर्सेज आफ्टर क्लास 12. जैसे हम होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी के MBBS के जैसे हमने डिग्री कोर्स करते हैं क्लास 12 के बाद, ऐसे ही 5 साल का पूरा डिग्री कोर्स है जिसमें कि पहले 3 साल आपको बेसिक साइंसेज जैसे एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी पढ़ाई जाती है और आखिरी के 2 साल में एक्यूपंक्चर पढ़ाया जाता है. सो दैट इज वाई दी सिस्टम कैन ओनली बिकम पॉपुलर. जैसे आपने कहा क्यों पॉपुलर नहीं है, तो पॉपुलैरिटी तभी होती है जब आपके पास उसके ग्रेजुएट ज्यादा हों और उस सिस्टम को प्रैक्टिस करने वाले फिजिशियन ज्यादा हों. हमारी कंट्री में आज तक जो अभी तक जो ऑफिशियल पोजीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो यही थी कि वो सिर्फ डॉक्टर्स को अलाउड था एक्यूपंक्चर करना. दैट मीन्स आफ्टर डूइंग योर MBBS और BUMS और BHMS एनी ऑफ द आयुष डॉक्टर्स और एलोपैथी डॉक्टर्स दे कुड प्रैक्टिस एक्यूपंक्चर आफ्टर डूइंग अ सर्टिफिकेट कोर्स. बट बिकॉज अ पर्सन लाइक मी सपोज और अ पर्सन लाइक एन आयुर्वेदिक फिजिशियन दे ऑलरेडी हैव देयर ओन प्रैक्टिस. तो इसलिए जब वो एड ऑन करते हैं किसी प्रैक्टिस को भी अपने साथ में तो प्रोबेबली उनको इतना समय नहीं मिलता कि भाई बहुत सारे पेशेंट्स वो कर पाए या इतना वो उनका रुझान जो है वो एक्यूपंक्चर की तरफ नहीं जाता. तो इसलिए मेरे जैसे डॉक्टर जैसे आपने खुद बोला बहुत कम होंगे बिकॉज आई हैव टोटली शिफ्टेड ओवर टू एक्यूपंक्चर. आई डोंट डू एनी अदर प्रैक्टिस. आई एम लकी दैट आई बीन ज्वाइन बाय माई वाइफ हु इज फ्रॉम लेडी हार्डिंग. शी इज ऑल्सो अ डॉक्टर एंड नाउ माई सन Who's done his MD in anesthesia and done a fellowship in pain, but he has also shifted towards acupuncture. Because looking at the results which we are getting in our practice, we are quite convinced that this is a science which is going to stay. And that is why, looking at all these developments, I decided to work with the government of India very seriously to see to it that agar Western world ke andar aaj ye science itni popular ho chuki hai, to kyun nahi hum apni country ke andar bhi isko ek recognition deke. एक इंडिपेंडेंट काउंसिल फॉर्म करें इंडिया में भी एक्यूपंक्चर की और डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में है 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है और 5 साल का डिग्री कोर्स एक्यूपंक्चर में होता है. उसी टाइप का हमने यहाँ पर भी करा है और द गुड न्यूज इज दैट वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर द मोर देन लास्ट नाउ व्हाट 10 12 years आई हैव वर्कड ऑन इट विद द गवर्नमेंट एंड फाइनली वी आर सीइंग द रे ऑफ लाइट बिकॉज इन 2019 we were able to get a order passed from the government of India by Shri J.P. Nadda, the health minister of India then, that acupuncture has been accepted already by the government as an independent system of health care. And उसके बाद एक कमेटी बनाई थी, डॉक्टर वीएम कटोच उसके चेयरमैन थे, जो डीजी थे ICMR के, एंड आई वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी इज ऑल्सो सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट इन 2020. द रीजन ओनली फॉर द डिले नाउ इज बिकॉज ऑफ द कोविड विच केम इन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑल सच थिंग्स became back seated because there are so many important other things which came up like the vaccination drive with the ministry and all. But now we are quite hopeful that in the next month or so to come, we should be able to make fast progress this whole thing and start these courses also. That's a great news actually. सर अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बीमारियों में, तो आपने कहा कि बहुत सारी बीमारियों में असरदार है, दर्द से जोड़कर अक्सर बात की जाती है कि दर्द में बहुत असर होता है एक्यूपंचर का, लेकिन और किन किन बीमारियों में ये ज्यादा असर करता है और कितना वक्त लगता है रिजल्ट आने में? देखिए अगर हम हेड से लेके टो तक देखते हैं तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द हेड. वी कैन स्टार्ट विद आजकल जो मैं देख रहा हूँ पोस्ट कोविड. पोस्ट कोविड आई एम गेटिंग पेशेंट्स विद टिनाइटिस जो कि कान के अंदर शांशा की आवाज जिसे हम कहते हैं रिंगिंग इन द ईयर्स एंड दैट इज हैपनिंग वेरी ऑफन पोस्ट कोविड पेशेंट्स. अगेन वी हैव नो आंसर इन वेस्टर्न मेडिसिन. नो आंसर मीन्स नो आंसर. सो देयर इन टिनाइटिस एक्यूपंक्चर इज डूइंग वेरी गुड रिजल्ट्स. देन हेयर फॉल, पोस्ट कोविड हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है. उसमें भी एक पर्टिकुलर एक्यूपंक्चर चैनल माना जाता है जो कि कमजोर हो जाता है और ये सारा कुछ अब हम साइंटिफिकली एक कंप्यूटर के ऊपर
एक हमारे पास सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि हम कंप्यूटर पे एक ग्राफ करते हैं जिसमें पेशेंट की सारी जो मेरिडियंस हैं, जो हम मान के चलते हैं बॉडी के अंदर हमारे टोटल 24 मेरिडियन होते हैं, 12 लेफ्ट में, 12 राइट में और 2 मिडलाइन मेरिडियन होते हैं, इन सब की एनर्जी मैपिंग करते हैं। उस एनर्जी मैपिंग से हमें ये पता लग जाता है कि कहाँ पर एनर्जी का इम्बैलेंस है इस पेशेंट के अंदर, एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी सिलेक्टिंग द एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। अच्छा, फिर क्या होता है कि एक बार वो सिलेक्शन कर लिया पॉइंट्स का, उस हिसाब से नीडल सेलेक्ट होती है। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा नीडल्स लगाते हैं, तकरीबन 10 से 12 नीडल्स इज वॉट मैक्सिमम वी विल बी गिविंग इन ए नॉर्मल पेशेंट। और जैसे आपने बताया, फिर उसके बाद अगर हम आते हैं ये नोज, ईयर नोज एंड थ्रोट की प्रॉब्लम पे, तो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है क्रॉनिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, इसमें भी एक्यूपंक्चर बहुत कामयाब है। वहीं पे पोस्ट कोविड, अब मैं आजकल कर रहा हूँ, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, दिस इज अ वेरी, इवन आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ हैविंग कोविड पेशेंट्स आर कमिंग टू मी हैविंग नो टेस्ट एंड नो स्मेल, और उनका टेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। एंड इवन इन दोज पेशेंट्स वी आर गेटिंग ग्रेट रिजल्ट्स। सो दिस इज जस्ट शोइंग टू अस दैट इट इज नॉट दैट एनी सिस्टम इज कंप्लीट। सो नो मेडिकल सिस्टम इज कंप्लीट इन द वर्ल्ड, एवरी सिस्टम हैज गॉट इट्स ओन बेनिफिट्स, एंड माई असेसमेंट इज दैट वी शुड ट्राई टू टेक द बेस्ट ऑफ एवरी साइंस, ऑफ एवरी पैथी, एंड ट्राई एंड गो फॉरवर्ड। दैट्स वाई द अप्रोच हैज टू बी इंटीग्रेटिव। सो द डेकेड टू कम नाउ फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी अ डेकेड ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इट इज नॉट गोइंग टू बी वेस्टर्न मेडिसिन, इट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली ईस्टर्न मेडिसिन, इट इज गोइंग टू बी एन इंटीग्रेशन। सो जहां हमें लगता है कि हमारा पेशेंट, से फॉर एग्जाम्पल पोस्ट कैंसर पेशेंट है, पोस्ट कीमोथेरेपी, अब कीमोथेरेपी दे रहे हैं आप, पेशेंट को साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, न्यूरोपैथी हो जाती है, सुन पड़ जाते हैं हाथ और पैर, एंड वेस्टर्न मेडिसिन के पास कोई आंसर नहीं होता इनका। तो वहां पर हमने एक्यूपंक्चर किया तो हमें बहुत बेनिफिट आया। तो व्हाई नॉट वी एमलगमेट, व्हाई नॉट वी वर्क टुगेदर। एट द एंड ऑफ द डे हमें पेशेंट को बेनिफिट देना है, हमें ये नहीं देखना कि किस पैथी से उसको आराम आया। अल्टीमेटली पेशेंट तो आपके पास अपनी तकलीफ लेके आया है, तो अगर आप दो डॉक्टर्स इकट्ठे बैठ के और उसकी कंडीशन को समझ के और उसको आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको बेनिफिट होगा, तो ही विल ऑब्वियसली गो बैक एज ए हैप्पियर पर्सन। जी, सर बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। हेल्थ ओपीडी पर जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं, ज़्यादातर का यही मानना है कि हम लोग को साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि हम सबका जो मकसद है वो कहीं ना कहीं सेहतमंद दुनिया क्रिएट करना है अपने आसपास, रदर देन फाइटिंग कि कौन सी पैथी अच्छी है और कौन सी खराब है, उसके बजाय सब लोग मिलकर काम करें, जिसका जो अच्छा है उस पर फोकस किया जाए। जी, चूंकि आपने खुद ही बताया कि किस तरीके से दूसरी पैथीज के साथ भी काम करते हैं एक्यूपंचर में, तो मैं जानना चाहती थी कि कौन कौन सी थेरेपी के साथ ये ज़्यादा इफेक्टिव है, मॉडर्न मेडिसिन के साथ या फिर जब हम लोग नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा की बात करें तो वहाँ भी ये साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सारे सिस्टम्स के साथ काम कर सकते हैं हम। अब जैसे मैंने चाइना में, जहाँ मैं बेसिकली अपनी ट्रेनिंग के लिए गया था, वहाँ पर चाइनीज हर्ब्स यूज करते हैं अलॉन्ग विद एक्यूपंक्चर इन पेशेंट्स हु आर वेरी क्रॉनिक। से फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को बहुत साल पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि वेस्टर्न मेडिसिन में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो वहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी कंडीशंस में दे टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूपंक्चर विद चाइनीज हर्ब्स। सो व्हेन आई डिस्कस विद द चाइनीज पीपल और द प्रोफेसर्स देयर, दे टोल्ड मी दैट इंडियन हर्ब्स आर वेरी गुड। सो इन इंडियन कंडीशंस इट वुड बी बेस्ट टू कंबाइन एक्यूपंक्चर विद इंडियन हर्ब्स। सो आई थिंक आयुर्वेदा इज द बेस्ट देयर, वी हैव नथिंग टू बीट आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा अलॉन्ग विद एक्यूपंक्चर कैन डू विल बी ग्रेट। देन ऑल्सो वी केम टू नो थ्रू अनदर वेरी लर्नड मैन हु वाज अ होम्योपैथ हिमसेल्फ एंड ही यूज्ड टू डू एक्यूपंक्चर। दिस वाज फ्रॉम जर्मनी, आई मेट हिम अ फ्यू इयर्स अगो, एंड ही डज समथिंग वेरी रेवोल्यूशनरी, एंड ही हैज बीन ऑल्सो क्लेमिंग ग्रेट रिजल्ट इन क्रॉनिक डिजीजेस। जहाँ पर कि वो क्या करते हैं कि कुछ होम्योपैथी रेमेडीज हैं, से फॉर एग्जाम्पल दिस रेमेडी ए विच इज वेरी यूजफुल इन अ पर्टिकुलर डिजीज। से फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक बैक एक है, उसमें उन्होंने कहा जी ये जो एक पर्टिकुलर होम्योपैथिक रेमेडी है ये बहुत यूजफुल होती है अकॉर्डिंग टू दी, जैसे वो होम्योपैथी में उन्होंने वो उनका वो असेसमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन दैट द पेशेंट हैज। तो हिस्ट्री लेने के बाद उन्होंने कहा ये रेमेडी अच्छी होती है इसके लिए। तो उसमें क्या करते हैं वो उसका लिक्विड कंकॉक्शन बना लेते हैं उसी होम्योपैथिक रेमेडी का। यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड कि यू कैन हैव लिक्विड कंकॉक्शन। सो व्हाट दे डू इज दे विल डिप द नीडल
in that liquid concoction and then inserted at the acupuncture point. So that particular homeopathic remedy will be going into the body at that acupuncture point. This is known as homeopuncture, and this has been found to be great. So amalgamation ho gaya. We are combining herbs with acupuncture. We are combining homeopathy with acupuncture, and we are already there. And even a lot of people with have also come up with jo aap naturopathy ki baat kar rahe the, yoga naturopathy. Now yoga is more of a fitness thing. Yoga is more of an exercise thing to help us keep our body detoxed, good. So in China they do a lot of qigong. So I think yoga is our qigong therapy, and it is even better than qigong therapy. As a matter of fact, Modi ji had gone a few years ago and opened a yoga institute in China, and it is doing very well. And a lot of Chinese have shifted to yoga in a big way. So I think somewhere down the line, we need to understand that we all need to work together, because it's for the health of everybody that we are trying to work. It is not for a particular science that we want to promote. Whatever good we are getting from any system should be utilized for the welfare of and the health of everybody. So my aim has always been like that. And as I said to you, whether it's yoga, whether it's naturopathy, whether it's homeopathy, whether it's Ayurveda, all of them are working very well in conjunction with acupuncture. जी सर, हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से असरदार है एक्यूपंचर, किस तरह से दूसरी थेरेपीज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस या ऐसी सिचुएशंस होती होंगी जहां पे कि इस थेरेपी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। So, as the saying goes, ये बड़ी पुरानी saying है, हमारे प्रोफेसर जो हमारे जिससे हमने एक्यूपंचर सीखा था, उन्होंने कहा था, एक्सेप्ट ब्रोकन बोन्स एंड ब्रोकन हार्ट्स, एक्यूपंचर कैन ट्रीट एवरीथिंग। सो बट if I was to elucidate more, it would say that in patients who have fractures, in patients who have terminal cancers, in patients who have cancers also, I feel acupuncture does not have any much of a role to play. But yes, in patients who are having side effects because of chemotherapy, as I've already told you, radiotherapy, their acupuncture can be used very well. So almost all diseases from any system, whether it's the neurological system, whether it's the musculoskeletal system, even now I come to gynae. So my wife has been doing pioneering work in infertility. So again, it's a very, very difficult situation wherein a lot of couples start thinking of having a child at a later age. So there, the conception chances become less, the egg quality is poor, so they are not able to conceive. Then they have got hormonal problems, because if a lady wants to conceive, say after about 35, she may not be able to. 35, 40 ke aas pa jab hum shuru karte hain, plan karna hi. So a lot of time they'll end up with infertility clinics. Now, the problem area is that these patients who go to infertility clinics, some of them may conceive. I'm an allopath, so I'm very open about it. But a lot of such patients may not conceive. So what is happening in the Western world today is that every infertility team, whether it's UK, US, Canada, Brit, everywhere, every infertility team has a doctor who does acupuncture. It has to be there. It's by compulsion, because they have realized over a period of time that acupuncture is great, not only to treat the physical aspects like the hormonal changes, like the raised AMH values, which are there in so many patients, endometriosis as a cause. There also acupuncture does great wonders in such patients. But also to look into the psychological aspect of the such men and women who go through such problems. So we are now getting patients who are failed IVF and IUI cases, who have not been able to conceive. They come to us, even top gynecologists of Delhi are referring our patients to us so that they are able to conceive. And I must tell you with confidence that we have had many success stories wherein patients who failed to have a normal pregnancy, even after failed IVF, IUIs, could conceive normally, and they could actually have a normal baby. So they didn't even have to go through any exercise of the IVF again. So normal pregnancy also is possible. And the plan is from conception to delivery. So we treat this patient throughout, which means
वी विल ट्रीट इनिशियली टू मेक देम कंसीव एंड सब्सिक्वेंटली वी गिव देम जस्ट मेंटेनेंस ट्रीटमेंट्स ऑफ मे बी वंस अ फोर्टनाइट टू वंस अ मंथ टिल दे डिलीवर अ नेचुरल नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड. सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ एक्यूपंक्चर विच इज नाउ कमिंग अप. एंड सेम वे इन पीडियाट्रिक्स इफ यू टॉक अबाउट इन एडीएचडी अटेंशन डेफिशिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर्स चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन हु आर लेस देन 7 ईयर्स ऑफ एज इफ वी कैच देम एट दैट एज वी फाउंड दैट यूजिंग लेजर्स एट एक्यूपंक्चर पॉइंट सो नो नीडल्स. सो अगेन वी कम टू द नीडललेस टेक्निक्स. सो देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन डू नाउ. अब बच्चा तो कोई नीडल लगवाएगा नहीं ईजिली और ना वो हम लगाना चाहते हैं. सो उन्हीं एक्यूपंक्चर इंपॉर्टेंट इज एक्यूपंक्चर पॉइंट एक्यूरेट होना चाहिए. सो उस करेक्ट एक्यूपंक्चर पॉइंट के ऊपर अगर हम लेजर लगाएंगे तो हम सेम इफेक्ट दे पाते हैं जो कि हम नीडल से देते हैं. ऐसे ही कई एल्डरली लोग होते हैं जो कि कहते हैं हम नीडल नहीं लगाना चाहते, उनमें भी हम लेजर द्वारा एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. सो लेजर्स हुए, एक्यूट्रॉन हुए, यू नो इवन देर आर थेरेपीज लाइक PNST. अब दिस इज समथिंग विच आई लर्न फ्रॉम जापान. नाउ दिस इज अ जैपनीज प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी हु लेफ्ट हिज प्रैक्टिस ऑफ न्यूरो सर्जरी अबाउट 20 ईयर्स अगो बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विद वॉट ही वॉज डूइंग एज अ सर्जन. सो ही शिफ्टेड ओवर टू एक्यूपंक्चर बिकॉज ही रियलाइज दैट फॉर हिज सिंपल बैक पेन ही वॉज नॉट गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम हिज वेस्टर्न मेडिसिन. सो ही डिसाइडेड टू फाइनली शिफ्ट ओवर टू एक्यूपंक्चर एंड ही गॉट फुली recovered with acupuncture for his back problem. So he then decided to do more research. So उन्होंने जो research करी उसमें उन्होंने कुछ dermatomes देखे जो कि हमारे already और इसके बारे में कोई western medicine का doctor अगर सुन रहा होगा तो उसको पता होगा कि dermatomes जो है हमारे already होते हैं cervical dermatomes, thoracic dermatomes, lumbar dermatomes, sacral dermatomes जो कि हमारे particular part of the body को supply करते हैं. से फॉर एग्जाम्पल हमारे अगर कंधे में दर्द हो रहा है और वो हाथ में जा रहा है तो वो सर्वाइकल C5, 6, 7 डर्माटोम है जो कि हमारे हाथ को सप्लाई करता है. सो रादर देन पुटिंग एनी नीडल्स ही हैड अ स्पेशल डिवाइस विद विच ही विल जस्ट प्रिकल हल्का हल्का जैसे कुछ चुभाता है ना हल्का हल्का प्रिकल करेंगे और वहाँ नीडल नहीं लगाएंगे वो और वो प्रिकलिंग करके उस पर्टिकुलर डर्माटोम को वहाँ से खोल देते हैं. उससे वो ब्लड सर्कुलेशन पूरा उस आर्म में आ जाता है और उस पेशेंट को उस पेन में आराम आ जाता है. सो दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो अगेन अ वेरी रिसेंट डेवलपमेंट. आई स्पेशली गॉन विद माई वाइफ टू जापान टू लर्न दिस टेक्निक. इट इज नोन एज PNSD, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिकलिंग न्यूरो स्टिमुलेशन टेक्निक. इज अगेन अ वेरी न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट. इट इज डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड बाय अ न्यूरोसर्जन. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच फार वी हैव गॉन इनटू द मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ इट. सो इट इज नॉट ओनली एज इफ I am, you know, sort of doing it or not. We have so many learned people who have shifted from Western medicine towards acupuncture in a big way worldwide, so as to get better results for their patients. जी, बहुत सारी बीमारियां आपने बताई कि किस तरीके से असरदार है, लेकिन कमर दर्द वैसे तो सारे ही दर्द में ज्यादा असरदार माना जाता है, लेकिन कमर दर्द के साथ खास तौर पर माना जाता है कि एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा असर जो है उसका देखने को मिलता है. ऑफकोर्स ये वाजिब सवाल नहीं है जो मैं पूछने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि क्या आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं जो कि खुद से जहाँ पे पॉसिबल हो. इट्स मोर ऑफ एक्यू प्रेशर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. जी, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐसा है हमसे जुड़े हुए जी ताकि उनको कुछ फायदा हो सके डायरेक्ट. हाँ प्रियंका जी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा. कमर दर्द में तो बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं एक्यूपंक्चर में. अदर देन नीडल्स आल्सो वी यूज कपिंग थेरेपी. जैसे आपने सुना होगा कि कप्स लगा के सक्शन लगा के करते हैं और कपिंग इज अ पार्ट ऑफ एक्यूपंक्चर. या हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे लर्नेड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो भी यूज करते हैं प्रैक्टिस में. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, बट बेसिकली कपिंग इज अ पार्ट ऑफ एक्यूपंक्चर. जब हम एक्यूपंक्चर सीखते हैं तो कपिंग उसमें सिखाई जाती है. इट्स अ वेरी स्पेशल आर्ट ऑफ डूइंग कपिंग ऑल्सो. और कपिंग कैसे करते हैं, कैसे सक्शन क्रिएट करना है, इसमें हम ग्लास के कप भी यूज करते हैं, प्लास्टिक के कप्स भी यूज करते हैं. और अभी तो रिसेंटली कपिंग जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुई बिकॉज माइकल फेल्प्स ने अपनी बॉडी के ऊपर वो मार्क दिखाए थे किसी वीडियो में, तो सब ने पूछा भी क्या मार्क्स हैं. तो उन्होंने कहा कि आई रूटीनली गेट कपिंग डन फ्रॉम माई एक्यूपंक्चर डॉक्टर. सो तब लोगों को आइडिया लगा कि भाई ये कपिंग भी कोई चीज़ होती है. और आप अब देखेंगे तो काफ़ी लोग जो है वो एक फैशन बन गया है कपिंग भी.
जहाँ पे वो कप्स लगवा लेते हैं। सो बैकएक के अंदर भी कप्स बहुत यूजफुल होते हैं। पुराने जमाने में हमारे शायद गाँव में भी, अगर आप किसी को पता हो, तो गड़वी लगाते थे और गड़वी लगा के ट्रीटमेंट करते थे, तो देट वॉज नथिंग एल्स बट कप्स। सो इफ यू थिंक एंड लुक एट आवर ट्रेडिशनल मेथड्स, यू विल समवेयर पिक अप दीज टेक्निक्स देयर ऑल्सो। अब जैसे आपने कहा कि बैकएक के लिए, अब मैं अपना हाथ ऐसे दिखा रहा हूँ, वीडियो में आप देख रहे होंगे, तो इस जी ये जो हमारा थंब और जो इंडेक्स फिंगर है, इसके बीच में ये एक बोन होती है जो कि नेक्स्ट टू द इंडेक्स फिंगर है। तो इस बोन को अगर आप धीरे धीरे इंडेक्स फिंगर से लेके और टुवर्ड्स दी बेस ऑफ द थंब प्रेस करते जाएंगे, तो आपको यहाँ पर कुछ एक ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कि बहुत सोर हैं या पेनफुल हैं। आप उन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए एक मार्कर पेन के साथ। नाउ दिस एज, जो बोन का एज है जहां पर आपका इंडेक्स फिंगर स्टार का बेस है, और ये नीचे तक जाके यहाँ पर जहाँ ये बोन खत्म हो रही है, इतनी सी लाइन है सिर्फ, तो ये जो एज है अपर एज, ये हम मान के चलते हैं ये सर्वाइकल स्पाइन का एज होता है, और जो नीचे वाला एज है वो लंबर स्पाइन का एज होता है। तो इस लाइन में आप प्रेस करते जाएंगे, जहां पे आपको लगेगा बहुत पेनफुल है उस स्पॉट को आप मार्क करेंगे, और उस स्पॉट के ऊपर फिर आप एंटी क्लॉकवाइज वहां पर रोटेशन करते जाएंगे जब तक कि वो पॉइंट का जो पेन है वो डिसअपियर नहीं हो जाए। जहां वो पॉइंट का पेन डिसअपियर हुआ, वहीं पे अगर आपको नेक में पेन है तो नेक का पेन रिलीव हो जाएगा। अगर आपका मिड बैक में पेन है, जो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको टेंडरनेस आएगी, वो खत्म हो जाएगा। और लोअर बैक में पेन है, तो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है जो मैं दबा रहा हूँ, वहां पर आपको प्रेशर पेन होगा, तो वो खत्म हो जाएगा। सो यू हैव गो ऑन प्रेसिंग एंड दैट प्रेशर कैन बी डन वेरी कंफर्टेबली एट योर लेजर फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट एटलीस्ट इट कैन डन पीरियड ऑफ अबाउट 2 to 3 minutes एट अ पॉइंट। सो दैट्स अ गुड पार्ट। अब आपने जैसे बताया मेरे को कि कुछ सेल्फ मेथड्स भी हमें बताएं अपने जी जो दर्शकों हमारे को लिसनर्स हैं, दर्शकों को, तो मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये डेवलप किया था PNST जो ट्रीटमेंट है, जब इन्होंने शुरू किया पहली बार तो इन्होंने टूथप्रिक से करते थे ये, उसके बाद एक रिफाइंड डिवाइस निकाला। तो आज भी ये कहते हैं कि फर्ज करो आप को बैक में पेन हो रही है, सो जिस एरिया में आपको पेन हो रहा है बैक में, एक टूथपिक लीजिए, पेशेंट को आप फेस डाउन उल्टा लिटा दीजिए और टूथपिक से वो पॉइंट मार्क कर लीजिए पहले जहां पे आप दबाने से पेशेंट को सबसे ज्यादा पेन हो रहा है, और फिर टूथपिक लेके वहां पर उसको प्रिकल करिए। सिर्फ ज्यादा डीप नहीं जाना है, बहुत डीप प्रिक नहीं करना, हल्का हल्का इतना करिए कि बस उसको फील हो यहाँ कुछ यहाँ पर चुभ रहा है। तो प्रिकल जी करते 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 आप जब वो थोड़ी देर के लिए कर लेंगे प्रिकल, और उसके बाद पेशेंट को उठा के आप कहेंगे वॉक करेंगे, उसको पेन ऑलरेडी रिलीफ हो चुका हो। सेम वे किसी को अगर सिंपल हेडेक हो रहा है, जो यहाँ पर हो, माइग्रेन्स भी, इवन माइग्रेन्स यहाँ पर सेंटर में हेड है, हेडेक है, ये साइड में हेडेक है, वही आप वो लीजिएगा अपना। इस केस में हम रिकमेंड करते हैं कि टूथपिक, पांच पांच टूथपिक ले लीजिए और पांच टूथपिक को एक रबर बैंड के साथ बांध लीजिए, सो दैट आपका जो एक पॉइंट है वो शार्प बन जाएगा पांच टूथपिक का। और उसके बाद आप घर बैठे हुए अपने आप भी इन फ्रंट ऑफ अ मिरर यू कैन जस्ट स्टैंड एंड गो ऑन प्रिकलिंग लाइक दिस एंड यू विल बी अमेज्ड दैट इन अ मैटर ऑफ मैक्सिमम 2 minutes to 3 minutes द पेन विल बी गॉन। सो दिस इज अ वेरी गुड मेथड एंड अ सिंपल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन योर ओन। ए सेम वे इफ ए पेशेंट हैज गॉट एन एल्बो पेन, ही और शी कैन मार्क द पॉइंट्स एट द एल्बो एरिया। फर्स्ट मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एल्बो पेन जनरलाइज आपको लग रहा है, पर आप जब दबाते हैं तो आपको लगता है कुछ पॉइंट्स पे बहुत एक्यूट टेंडरनेस है, उसको एक मार्कर पेन से आप बिंदी लगा लीजिए, फिर वो टूथपिक, पांच टूथपिक्स को रबर बैंड से बांध के रखिए और लीजिए और वहां पर प्रिकल करिए। इसको प्रिकलिंग कहते हैं, ऐसे जैसे मैं आप कर रहा हूं, देख पा रहे हैं सब, हाँ जी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत होती है इसमें, कोई नीडल नहीं लगा रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर रहा हूं,
और पिकल करते 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 फिर मूव करेंगे हाथ को, यू विल फाइंड योर एल्बो इज ऑलरेडी मूविंग मच बेटर. यू कैन रिपीट दिस ट्रीटमेंट इन एन एक्यूट स्टेज, यू कैन डू इट 2 टाइम्स इन अ डे ऑल्सो, बट अदरवाइज वंस अ डे इज सफिशियंट. सेम वे इफ यू हैव अ नेक पेन, सर्वाइकल पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, इस केस में आपको किसी और से करवाना पड़ेगा, बट वही मेथड है. पहले उनको कहिए प्रेस करें, प्रेस करके देखें कहाँ पे टेंडरनेस है, शोल्डर में पेन हो रहा है, कहाँ पे पेन बड़ा कॉमन है. अब प्रियंका जी जैसे इतनी बिजी रहती हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे इतना समय रोज बिताती हैं, तो आई एम श्योर शाम तक इनको काफी पेन हो जाती होगी. तो देन शी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ हर हस्बैंड टू डू दैट ट्रिकलिंग, एंड द हस्बैंड आर वेरी हैप्पी टू डू दिस बिकॉज दे फील वेरी जॉयफुल व्हेन दे गेट अ चांस टू ट्रिकल देयर वाइव्स, बट दे विल गिव बेनिफिट टू योर टू देयर वाइव्स, एंड द हैप्पीनेस विच द वाइफ गेट्स आफ्टर गेटिंग अ ट्रीटमेंट लाइक दिस इज अमेजिंग, बिकॉज इट इज समथिंग वेर इन यू हैव नॉट यूज एनी मेडिसिन. Rather than taking a Vovaran or a Nemulid or a Crocin pain relief, because at the end of the day, it goes to our stomach. It will affect the liver. Every medicine which we eat has to go through the liver. इसलिए ग्रेड वन फैटी लिवर तो सबका आ जाता है, और ग्रेड टू भी आने लग गया है. तो लोग कहते हैं कि कैसे आ गया जी, अगर आप अल्ट्रासेट्स खाते रहेंगे, कॉम्बी फ्लेम खाते रहेंगे तो आएगा ही ना, क्यों नहीं आएगा. सो टू सेव योर लिवर, अगेन वी शुड ट्राई एंड यूज नेचुरल मेथड्स सो दैट वी कैन ट्रीट आवर सेल्व ऑन आवर ओन without having to resort to Western medicines too often. I am not saying Western medicine doesn't have a role. It has a great role to play. But let us use it sparingly, not use it very often. So we have to try and understand that we have to be very judicious with our body. Don't overuse drugs, because aajkal self-medication bhi bahut hone lag gayi hai. Again, that has also got its lot of side effects, and people end up with kidney failure, with liver failure, because they were doing self-medication. They never even bothered to go to a qualified doctor to find out कि सर मैं ये दवाई कंटिन्यू कर सकता हूँ कि नहीं. उनको लगा ये दवाई मेरे को डॉक्टर साहब ने लिख दी है, अब मैं ये अपने आप खाता रहूंगा. सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. सो आई हैव अ वेरी ओपन माइंड. आई एम नॉट फॉर एनी थेरेपी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी थेरेपी. आई एम अ पर्सन हु बिलीव इंटीग्रेशन इज टू वे टू गो फॉरवर्ड. सपोज अ पेशेंट हैज अ हार्ट ब्लॉक, सो आई एम नॉट सेइंग वी आर डूइंग एक्यूपंक्चर फॉर दैट. ही हैज टू गो टू अ सर्जन, ही हैज टू गो फॉर दैट ट्रीटमेंट. Suppose a patient has 95% blockage of his coronary artery, he has to get stenting done, he has to get a bypass done. So we have to know, if you have a broken bone, you have to get it fixed up. So I am not saying acupuncture is a panacea for all. I am just saying that we need to integrate now. And integration is only the way forward to be able to get great results. डॉक्टर साहब, बहुत ही दिलचस्प सेशन है ये हम लोग का. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिली हैं जो कि शायद इससे पहले मुझे भी आइडिया नहीं था बहुत सारी चीज़ों का. खासकर जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो एक परसेप्शन है दिमाग में, एक सेट है कि कहीं ना कहीं निडल्स जो हैं उनसे एक डर और खौफ है, और हर बार आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है. एक और सेशन मुझे लगता है इस पर बनता है, इस विषय पर, जब हम कुछ और बीमारी पर बात करेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ प्रेस करने से क्या फ़ायदा हो सकता है. लेकिन कुछ सवाल ले लेते हैं उससे पहले, वो सेशन हम लोग जल्द ही प्लान करेंगे. देखिए, मैं जो पहला सवाल ले रही हूँ, ये पूछ रहे हैं कि क्या एक्यूपंचर देयर इज नीड टू मॉडिफाई द डाइट और एनी चेंजिंग, किसी अगर आप एक्यूपंचर कराते हैं तो किसी तरह के बदलाव की जरूरत होती है आपकी डाइट या ऐसा कुछ लाइफस्टाइल? नहीं होता. पर्टिकुलरली नॉर्मल जो पेशेंट एक्यूपंक्चर के लिए आता है उसको कोई डाइट का मॉडिफिकेशन बिल्कुल नहीं करना पड़ता. सिर्फ अगर कोई पेशेंट वेट लॉस के लिए आ रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए उस केस में हम उनको जरूर बताएंगे कि आपको डाइट चेंजेस करें. बट अगर एक नॉर्मल पेशेंट आ रहा है फॉर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट, उसके लिए कोई डाइट का मॉडिफिकेशन जरूर नहीं पड़ता. जी, एक और सवाल है, ये शायद पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि स्पॉन्डिलाइटिस इससे ठीक हो सकता है क्या? स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, नाउ दिस इज अ कंडीशन, हाँ दिस इज अ वेरी 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 डिजेनरेटिव डिजीज होती है ये, जिसमें कि काफी नर्व रूट्स के ऊपर कंप्रेशन हो जाता है. और अगर इनकी ड्यूरेशन ऑफ जो बीमारी है वो कम होगी तो रिकवरी बड़ी फास्ट हो सकती है. बट अगर क्रॉनिक होती है तो समय ज्यादा जरूर लगेगा, बट रिजल्ट्स स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में भी बहुत अच्छे हैं. जी, ये आपका टाइमिंग भी जानना चाहते हैं हॉस्पिटल में. ये मेरी अस्पताल में जो है, मैं शाम को आता हूँ 4:30 से लेके और 7:30 बजे तक, गंगाराम हॉस्पिटल, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को. और बाकी दिन जो है मैं मॉर्निंग में 6 डेज अ वीक अपनी प्राइवेट क्लिनिक में होता हूँ, ग्रेटर कैलाश में, E78GK1 में. और मेरा नंबर तो आप मैडम से ले दे ही देंगे आपको. एनी टाइम यू आर वेलकम टू कॉल अप एंड टेक एन अपॉइंटमेंट बिफोर यू कम. जी, आप अपना नंबर चाहे तो शेयर कर सकते हैं खुद भी यहाँ पर. 99588
05893। बाकी कुछ लोगों ने थैंक यू बोला है आपको, बहुत अच्छा लेक्चर है ऐसा कुछ लोगों ने लिखा है, थैंक यू भी बोला है, वेरी नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। फॉर वॉचिंग दिस एंड आई एम श्योर दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम फॉरवर्ड आई विल ट्राई एंड यू नो डू मोर प्रैक्टिकल थिंग्स, जिसमें कि एक मैं मॉडल ले लूंगा, ह्यूमन बॉडी मॉडल्स हमारे पास होते हैं, उसमें मैं एग्जैक्टली प्रिकलिंग करके दिखा भी दूंगा आपको, जी सो जी दैट बिल्कुल वो आपको जो डू इट योरसेल्फ वाली चीजें हैं वो वाली भी चीज मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, सो दैट आपने जैसे कहा कि कई लोग चाहते हैं कि भी घर बैठ के ही कुछ अगर रिलीफ दे सके हम, जैसे अब घुटने का पेन है, घुटने का दर्द पे मैंने नहीं कर पाया, वो एक कॉमन प्रॉब्लम है, या एंकल पेन है, हील पेन है, मैं उसमें भी दिखाऊंगा ये कैसे टेक्निक यूज करते जी हैं। जी बिल्कुल, हम लोग जल्द ही एक सेशन प्लान करते हैं, क्योंकि हेल्थ ओपीडी का मकसद है सबसे पहले प्रिवेंशन, आप अपने आप को फिट कैसे रखें, दूसरा अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप खुद से कितना उसमें खुद क्या कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स तीसरी बात हो गई कि आपको अगर जरूरत पड़ती है तो आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे ही। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त थैंक यू देने के वेरी मच लिए, फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू फ्यूचर इंटरेक्शन विद यू। थैंक यू। सो मच सर। थैंक यू।